हाय मेघा, कैसी है? बढ़िया, आप बताओ आप कैसे? बस बढ़िया एकदम। माइक सही लग रहा है तेरा, आवाज सही? हाँ, है हाँ। सही एकदम। ओके, तो आज है टॉपिक रोडीज का, एमटीवी का। बहुत बंदों को प्रोसेस नहीं पता कि रोडीज के ऑडिशन कैसे होते हैं, क्या क्या नहीं। कल परसों मेरे से कोई बंदा बंदी पूछ रहे फोन करके क्या प्रोसेस है। तो रोडीज का फॉर्मेट सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कुछ भी लेके जाएं आप साथ में, परफ्यूम दियो, नाना धोने का जो कुछ भी है, खाना पीना कुछ भी, वो आप ना लेके जाएं। क्योंकि जब लाइन लगती है ना, बाहर ही उसको भगाना पड़ता है। सबसे पहली बात है, कुछ भी आप लेके जाएंगे, कितनी महंगी चीज़ लेके जाओ, वो बाहर आपको भगानी पड़ेगी, बाहर रखवा देंगे। ठीक है, पानी की बोतल महंगी हो, कुछ भी हो, ये चीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके पास बाद में क्या होता है कि आधार कार्ड होता अपना, उसकी जीरोक्स ले जाओ आप। और रात को आप जाओ ऑडिशन में, लाइन में लगो आप, मतलब कि करीबन अगर कल ऑडिशन है अपना तो रात को निकल जाओ, 12 बजे पहुंच जाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत आती है। और इंट्री चालू होती है उसकी 9 से 2, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक गेट उसका ओपन रहता है। अच्छा, उसके दौरान एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, सुबह 9 बजे एंट्री होती है, 2 बजे तक गेट बंद हो जाता है, और ऑडिशन चलता है रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, ऐसे होता है। तो अभी फाइनली जो मेन बात थी मैंने बता दी आपको, रात को ही निकलना पड़ेगा अगर आपको ऑडिशन देना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और आपको जल्दी आना है तो भी आपको जल्दी जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी एनर्जी जो ना बाहर ख़राब ना करें। बाहर एमटीवी का कैमरा आता है, दूसरे पेज उनके आते हैं, कुछ मीडिया वाले भी आते हैं, उनके सामने आप अपनी जो एनर्जी है वो ख़राब ना करें। और सबसे बड़ी बात ये कि इस शो में लड़ाई ज़्यादा करते हैं लोग, लड़ाई ना करें, क्योंकि एक शो है, उसको टास्क समझ के उस हिसाब से वो करें। कैमरा पे जब जाते हो वहाँ पे कुछ भी करो, नो इशू, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो दोस्त की तरह हो, और अंदर गए तो भी दोस्त की तरह हो। वो एक फॉर्मेट है उस शो का, तो कोई लड़ाई ना करे बेकार में, बंदे मतलब क्या पसंद लड़ मरते हैं वहाँ पे, मेरे सामने बहुत चीज़ें ऐसे होती हैं। तो आप कर रहे हो, मतलब ऑडिशन दे रहे हो? शायद मैं ऑडिशन तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे को चस्का उसका। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से 14 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पे, और एमटीवी ने ब्लैक लिस्ट भी कर रखा है। ब्लैक लिस्ट क्यों? तो कुछ वजह थी, एमटीवी पता नहीं क्यों मेरे वहाँ किया था मैंने, शायद कुछ हरकतें ऐसी की थी वहाँ पे, ऑडिशन भी पोस्टपेंड हुआ था, थोड़ी सी लड़ाई टाइप की चीज़ें करी थी। तो काफ़ी टाइम होगा, 2013 दिसंबर में मैंने हरकत करी थी, मेरे को याद है। वो कहाँ पर किया था, चंडीगढ़ में हरकत की थी, एक बार मैंने नोएडा में की थी। तो आज मैं खुद वीडियोज बनाता हूँ, तब मेरे को समझ में आता है कितनी मेहनत होती है वो करने के लिए। यार ये तो शो बना रहे हैं, तो मेरे जैसे कुछ हरामी बंदे और भी होते हैं वहाँ पे, जो कि शो को ख़राब करने से मतलब होता है। लेकिन मेरे को आज 10 या 12 साल बाद में एहसास होता है कि मैं गलत था। ठीक है, शो वाले से ही थे, मैं गलत था। उनका पैसा लगता है, टाइम लगता है, क्रिएटिविटी होती है, बहुत चीज़ें खर्च होती हैं बहुत, उसके बाद कहीं ना कहीं ये शो मतलब कि बन के 1 ईयर होता है, उसके पीछे बहुत चीज़ें लगती हैं यार, बहुत ज़्यादा होता है। और जो इसके होते हैं ना बजट, वो भी बहुत तकड़े होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली होंगे। और एक इतना बड़ा शो मैनेज करते हैं तो होंगे। एक सबसे बड़ी बात हो रही है कि अगर कोई बोलता है कि मैं आपको रोडिज्म सिलेक्शन कराऊंगा, पैसे लूंगा, तो भाई बिल्कुल मत देना, क्योंकि वहाँ पे किसी की नहीं चलती। कुछ रेफरेंस होते हैं, कुछ लिंक होते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पैसे के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पैसे में कोई रियलिटी शो में मैंने देखा नहीं, और नहीं ले सकते, क्योंकि शो के बजट इतने होते हैं, करोड़ों के बजट होते हैं, जो स्पॉन्सर होता है ना बहुत बड़ा होता है। तो आपसे 1 लाख लेना, 2 लाख लेना, 10 लाख लेना, उसमें क्या हो जाएगा? नहीं होगा। और फिर कितना बंदा कहाँ से खा लेगा, क्या कर लेगा, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर कोई क्रू में होता बंदा, वो हरकतें ऐसी करता है, तो उसका पता ही लग जाता बाद में। जो ऑडिशन देते हैं उसमें मतलब क्या क्या चीज़, मतलब वो ये करते हैं ऑडिशन की, क्या मैं समझा, क्या बोला आपने? जो ऑडिशन वो देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ आपको मतलब शो करनी होती है अपनी? आधार कार्ड। वो नहीं, ऑडिशन में आपको मतलब क्या क्या चीज शो करनी होती है? दिखाना होता है। हाँ, क्या दिखाना होता है? तो बात करते हैं, लाइन में लग गए, ठीक है, अब अंदर गए, आधार कार्ड दिखाया, ठीक है, अब वहाँ पे आपको फॉर्म मिलता है, हाँ, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए आपको, ठीक है, वो लगाओ, फॉर्म सबमिट करो, आधार कार्ड की आईडी तुम्हारी लगेगी, उसका फोटो स्टेट करा के मेरा जरूर होता है, जीरोक्स वो होना चाहिए आपके पास में। अब वहाँ पे फॉर्म जमा होगा, ठीक है, जमा होने के बाद में मतलब कि ऐसे बोलेंगे आपका एक नंबर है ना, 1 to 20, 1 से 20 तक के बंदे आ जाओ आगे, ठीक है, 20 बंदे आगे निकल गए उसके अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है, 20 बंदों का लगभग ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं GD, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। हम गए अंदर, वहाँ पे क्या होगा, एमटीवी का कोई ना कोई क्रू मेंबर होगा, एक आपकी तरह चेयर पे बैठा होगा,
और बाकी 20 बंदे हम इधर होंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर कोई टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक ये हुआ कि लड़की दारू पी सकती है या नहीं, अपने लैंग्वेज में बोलो तो, मतलब कोई अल्कोहल पी सकती है या नहीं, ठीक है, पी सकती है तो क्यों और नहीं तो क्यों, मतलब कि इसका लॉस प्रॉफिट बेनिफिट जो भी दोनों चीज़ बताओ। तो कुछ बोलते हैं कि लड़कियों के दारू नहीं पीनी चाहिए, तो बंदों का बोलना ये होता है कि क्यों नहीं पीनी चाहिए, तू लड़का है तू पी सकता है तो लड़की क्यों नहीं पी सकती। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपस में क्या होता है बंदे लड़ पड़ते हैं वहीं पे, कोई पर्सनली हो जाता है, तो फिर कोई माँ बहन पे भी आ जाता है, तो फिर वहाँ पे हाथापाई हो जाती है, फिर वो चीज़ खराब हो जाती है। लेकिन वो एक लेवल होता है, उनका बोलने का मतलब ये होता है कि इसका लॉस और प्रॉफिट दोनों बताओ, तुम्हारी नज़र में होनी चाहिए तो क्यों, नहीं तो क्यों, ठीक है। अभी होगा तो जरूरी थोड़ी कि यही क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक दिन के लिए आपको नेता बना दिया तो आप क्या करेंगे, ठीक है। लड़की अगर स्कर्ट पहन के चल रही है तो आपकी क्या थिंकिंग है उसमें, ठीक है। अगर लड़की बॉयफ्रेंड बना दी, लड़की बना रखा उसने, तो तुम्हारी नज़र में क्या हुआ, ठीक है। लड़की मतलब कुछ भी हो, ठीक है, अगर लड़की रात में क्लब में जाती तुम्हारी क्या थिंक है, मतलब बहुत चीज़ें ऐसे होते हैं, बहुत क्वेश्चन होंगे ना, अलग अलग आते हैं, बहुत टॉपिक होते हैं, कुछ भी वो दे सकते हैं उसमें। उसमें हमें ये बताना है कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, क्यों लगी, कैसे क्या, ये चीज़ें, ठीक है। और उसके अंदर फॉर्म के अंदर ऐसा होता है कि आपने क्या अचीव किया, आपने पहले कोई शोध किया, क्या किया क्या नहीं, वो चीज़ें उसके अंदर आती है। हाँ, इसके अंदर पासपोर्ट उसकी ज़रूरत पड़ती है, पासपोर्ट, हाँ, डीएल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर आना चाहिए वो भी ज़रूरी है, और पासपोर्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडिया से बाहर जब शूट होता है तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें बीच बीच में छूट जाती हैं, वो इसका समझ लगे पूरा वीडियो समझ में आ जाए कि मतलब कि क्या क्या नहीं है। दिस वीडियो फॉर MTV एंड रोडीज, और भी बहुत से फॉर्मेट बताएंगे। तो फिर वहाँ पे हमारा था क्या था, GD जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। उसके अंदर से क्या होगा, अब आपका ऑडिशन हो गया, अब आपको बोलें कि जाओ बार, ठीक है, अब बोलें कि सिलेक्शन हुआ या नहीं, वो GD करके सारे बंदे बाहर चल जाएंगे। उसके अंदर जो अपना जिसको जज बोलते हैं MTV का, वो डिसाइड करेंगे कि इनमें से किसको रखना है, किसको रखना है किसको नहीं। तो उसी टाइम वो उसको क्लिक के निशान करके ऐसे रख लेंगे, उसका नंबर रख लेंगे, ठीक है। ये उस बंदे को कॉल आएगी रात के 3 बजे या 4 बजे या 2 बजे, मतलब आज ऑडिशन हुआ, आज रात के मतलब मॉर्निंग होगी ना, 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे कुछ कॉल आएगी, 4 बजे तक भी आ सकती है। तो अपना मोबाइल फ़ोन है ना, जो मतलब कि रोडीज का ऑडिशन देने के बाद ना आप फ़ोन रखो उसको, ना कि ऑफ कर दिया, क्योंकि अगले दिन 4, 5, 6 सुबह के 6 या 7, 8 भी बज सकते हैं कॉलिंग के। क्योंकि मेरे पास एक बार सुबह से कॉल आया था, तब मेरे को रात को 2 बजे कॉल आया था, ठीक है। तो वो रात वाले दिन MTV वाले कॉल कर देते हैं उसी टाइम पे कि हाँ ये मेरे को चाहिए। फिर क्या होता है कि आगे भी GD होता है, एक अलग लेवल होता है, जो ये जज के सामने दिखते हैं ना वो तीसरा लेवल होगा, ठीक है। 2 लेवल इसके पार करने पड़ेंगे, तो अब अगला राउंड होगा, उसके अंदर भी जो डिस्कशन हुआ था टॉपिक पे बात की थी, मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंदे आ लिए मान के चलो अब 10 से 12 हज़ार, 10-12 हज़ार बंदों में से आप मान के चलो 500 या 600 के मतलब कि अगले दिन के लिए बुलाया जाएगा, अगले राउंड के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो कितना 500-600 बुलाया, उसके अंदर फिर काटेंगे, हाँ फिर काटेंगे कि इसके अंदर इतने बंदे होंगे सिलेक्टेड जो भी है। फिर मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर 100 बंदे सिलेक्ट करेंगे जो कि स्टूडियो राउंड के लिए जाएंगे। स्टूडियो राउंड मतलब कि जहाँ पे रणबीजे या रघुराम और आयुष्मान खुराना, मतलब कि इस तरह के बंदे मिल सकते हैं, नया धोपिया, ये बंदे वहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे आपका ऑडिशन होगा, वो लेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या तुम करके दिखाओ, एक्टिविटी जो भी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ कैसी है, तुम्हारा बिहेव टॉकिंग कैसा है, तुम टास्क कर सकते हो या नहीं, तुम परफेक्ट होने से हो के लिए, और इस शो में तुम क्यों आना चाहते हो, क्या है तुम्हारी वजह, तो वॉट एवर वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो करा के देखेंगे। वहाँ पे उन्हें लगता है कि ये बंदा है, बंदी परफेक्ट है, तो उनकी टीम है, 4 या 5 बंदे बैठते हैं, जो भी बंदा अपनी टीम में उसको हायर करना चाहता है वो उसको कर सकता है, तो उसको इन कर लेगा, और अगर इन नहीं करता तो वो उससे उससे मतलब वहाँ से बाहर हो जाता है। तो लेवल मतलब कि तीसरा स्टूडियो राउंड हो गया। स्टूडियो राउंड के अंदर भी आपको पता नहीं सिलेक्शन आपको होगी या नहीं, क्योंकि इतने लाखों में बंदे ऑडिशन देते हैं ऑब्वियसली, और इसमें तुम्हें हाई एजुकेशन भी चाहिए, नहीं एजुकेशन की नीड नहीं, एजुकेशन कुछ नहीं, आप से फेल हो 5 साल हो कोई मतलब, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, पैसे से कोई मतलब नहीं, आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आप में जो चीज़ है उसमें नहीं देखा जाता कि आप जात क्या है, कास्ट क्या है, आपकी हाइट क्या, आपकी पर्सनैलिटी क्या, कुछ वो नहीं, सिर्फ परफॉर्म कर पाए बंदा उनको समझ में आना चाहिए,
कोई मैटर नहीं कि आपके पास जेब में पैसे या नहीं, आप हाँ सबसे बड़ी बात है आप बाहर जब ऑडिशन देने के लिए आते हैं ना, आप पैदल चल के जाओ तो भी एमटीवी के लिए वही मायने रखेगा, आप ओडी में जाओगे तब भी, मर्सिडीज में जाओगे तो भी, और हाँ आपके पास साथ में सिक्योरिटी जाएगी, बाउंसर जाएंगे तो भी आपको वही अहमियत दी जाएगी, और आप अकेले जाओगे तो भी वही दिया जाएगा। तो मतलब ये कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि तेरे पास करोड़ रुपए हैं, ठीक है उनको कोई मतलब नहीं उससे, उनको ये कि टीआरपी आएगी, हमारा शो चलेगा। अगर तेरे को करोड़पति है, तेरे को ले लिया उसमें, ठीक है कर नहीं पाएगी तो फिर उसको उन्हें चाहिए भी नहीं, वही बात है। क्योंकि जो बंदा टैलेंटेड होगा, जो परफॉर्म करेगा, चैनल को लगे कि यार ये है, वो पूरी टीम डिसीजन लेती है, फिर उसके बाद वो हायर करते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता, क्योंकि पैसा तो उनका इतना लग चुका होता जिसकी खाती नहीं कोई बंदा दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना शो का बजट होता तगड़े वाला। तो फिर वहाँ से सिलेक्शन होगी, ठीक है मतलब कि जज बोलें कि मेरी टीम में आ जाए यहाँ पे वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद इनके शूट उसी टाइम पे स्टार्ट होंगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा। सिलेक्शन होने के बाद ये बोलें कि अभी किसी को नहीं बोलना कि हमारा सिलेक्शन हुआ। सबसे बड़ी बात दुख और सुखड़े बताता हूँ मैं अभी इसके अंदर, बहुत शो में होता है अभी एमटीवी क्या बोले मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद भी ना बंदे पास कॉल नहीं आती, सुनना आप सिलेक्टेड हो, ठीक है आपके पास पता नहीं कॉल आएगी या नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी वीडियो के साथ, आपके सूट के साथ एक कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, आपका कोई राइट नहीं बनता कि आपका वीडियो दिखाएं या नहीं दिखाएं। वो एमटीवी के अंदर क्या हर शो के अंदर एक कंडीशन होती है कि हम तुम्हारे वीडियो के साथ या किसी तरह कोई भी चीज़ कर सकते हैं, हम तुम्हें इस टाइम पे बुलाएं, आधी रात को बुलाएं, और हाँ हम चाहें तो तुम किसी से बात कर सकते हो वरना नहीं। जैसे कोई और कंटेंट के लिए आपके पास सॉन्ग के लिए आ गया तो आप बॉन्ड हो चुके हो वहाँ पे, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी टर्म कंडीशन होती हैं जो कि उस फॉर्म के अंदर लिखी होती हैं, जो लोग पढ़ते ही हैं आँख बंद करके ना, जो साइन कर देते हैं, हाँ साइन कर देते हैं, बाकी जो लिखा होता है ना कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं ये चीज़ें हैं उसको कोई पढ़ता ही नहीं, और कुछ लोगों को पढ़ना भी आता जैसे कि मैं, तो ये सब चलता रहता। फिर उसके बाद में सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद में उनको कॉल करके बुलाते हैं, फिर टास्क के लिए उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद उनमें से वो ग्रुप बटते हैं, फिर उसके बाद में तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होता है मतलब कि, फिर उसके बाद एक विनर होता है, और फिर उस विनर की शुरुआत होती है रियलिटी शो से कि भाई हाँ, फिर उसके बाद वो स्प्रिस मिलाने भी आ सकता है, एमटीवी का शो चलता है, उसके बाद उसके लिए बिग बॉस भी तैयार हो सकता है, फियर फैक्टर भी है उसके पास, ठीक है नच बलिए भी झलक दिखला जा, बहुत से ऐसे शोज हैं जो मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, इस शो से जो बंदे निकले हैं जो सक्सेस मतलब हीरो भी है लगभग, एक है आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना रोडीज से बना, रण विजय रोडीज से है, और भी ऐसे ऐसे एक वो बानी है विजय है, काफ़ी हॉट और सेक्सी मतलब टैटू उसकी पूरी बॉडी पे है, बहुत ही मतलब कि बंदे भी ऐसी है, तो वो भी रोडीज से बने, ऐसे बहुत बंदे हैं जो रोडीज से बने, और एक बंदा ऐसा भी है कि जो रोडीज से बना फिर बिग बॉस जीता, देन उसके बाद फ्लॉप भी है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, लेकिन चीज़ें आपको मेंटेन रखनी पड़ेंगी। अगर आप रोडीज में सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप उसी टाइम पे अपना सोशल मीडिया को और एक्टिव कर लो, ताकि आप रोडीज से बाहर हों तब आप अपनी वीडियोज डाल सकें, उस पर अपना कंटेंट दिखा सकें, क्योंकि वहाँ पे आपको नेम फेम मिल जाएगा, ठीक है तो दुनिया आपको वहाँ पे सर्च करेगी, पहचानेगी। हाँ तो इस मतलब कि रियलिटी शो में सबसे बड़ी बात ये कि यार इस नहीं सभी में होता है, आपका एक पैसा नहीं लगना, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आप टीवी पे नज़र आते हैं ना, और आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है, तो बंदे वहाँ पे आके आपको सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक जो भी होता है, इंस्टा पे फॉलो करेंगे, फेसबुक पे फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे आपका चैनल, तो कहीं ना कहीं इस शो से या सभी शो से ना आपकी अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इस शो के अंदर हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं। कुछ बंदे सोचते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेशन में नहीं आना, बहुत बंदे रोते हैं, लड़कियाँ भी रोती हैं, मेरा सेम कंडीशन हुआ, ठीक है। तो ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो मर गए वगैरह वगैरह नहीं, लेकिन वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, उससे सही बात है, उस लाइन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कि ऐसा अनुभव ना आपको कोई बंदा पैसे लेके भी नहीं सिखा सकता जितना आपका प्रैक्टिकल वहाँ पे होगा। और ये जो शो होते हैं ना इसमें चीज़ अलग ही होती है, और जो बंदे पैसे लेके इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं कि कुछ करते हैं उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके अंदर ये कि आपको एंट्री मिल सकती है, आपसे परफॉर्म कराएंगे, लेकिन आपके टैलेंट की कदर नहीं होगी, चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये है कि विदाउट मनी कुछ भी ना आपके पास, आपके पास चांस है कि यार हाँ बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यार उधर उधर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, और काफ़ी बंदों की हुई भी है। कुछ आपके दिमाग में है तो पूछ सकते हो मेरे को,
नहीं नहीं मतलब लाइक वहाँ पे आपको जो ऑडिशन आप देते हो तो लाइक वहाँ पे कैसी कैसी एक्टिविटी करवाते हैं आपसे? एक्टिविटी क्योंकि ऑडिशन दे रहे मतलब वो सिलेक्ट क्यों करेंगे आपको? हाँ सिलेक्ट क्यों करेंगे, एक आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए उसके अंदर कि आप गेम कैसे खेल रहे हो। गेम में तो मैं माहिर है? माहिर नहीं हूँ, गेम में खेलती ही नहीं हूँ। हाँ गेम तुम खेलती नहीं तो, लेकिन एक ही चीज़ है कि देखो मतलब सबसे बड़ा क्या होता है फेम, ध्यान से सुनना क्या होता है फेम। तू वहाँ पे चली गई और टीवी पे आ गई, ठीक है, सिलेक्शन नहीं है तेरा, एज ए एंटरटेनर होके वहाँ पे आ गई तो दुनिया तुझे सर्च करेगी मेगा कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि उन्हें वैसी चीज़ उनको चाहिए, ठीक है। तो मेगा अपना शो में तो है नहीं, तो यूट्यूब पे मिलेगी, इंस्टा पे मिलेगी, फेसबुक पे मिलेगी, तो लोग वहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर मेगा का वहाँ पे फायदा है। अगर मेगा ये सोचे यार मेरे अंदर ये नहीं क्वालिटी वो नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है एक लक चलता है और चैनल को मजबूर होकर बंदा वो लेना पड़ता है। जैसे आप गए वहाँ पे, आपसे टीआरपी आई, ठीक है, आप में वो चीज़ नहीं है, लेकिन चैनल को वो आगे उसको लेके आओ कैसे ना कैसे करके, 4-5 मिनट के लिए फनी एक्ट हो या कुछ भी हो, एंटरटेन करेगा करेगी, वो चीज़ होती है। ये सब मेरे साथ भी है, ठीक है, मेरे को तो सिर्फ टीआरपी के लिए काम कराते हैं, मेरे पास ही मेरा बहुत बड़ा एक राज है, और मैं दोबारा चाहता हूँ कि मैं दोबारा पैसों के लिए टीआरपी के लिए काम करूँ तो मेरे लिए और अच्छी चीज़ होंगी। तो आपका जाने वहाँ पे फ़ायदा है, कोई लॉस नहीं, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसमें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो है, और सबसे गर्म आपको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुनिया बहुत तरह की आएगी वहाँ पर, जो आपसे वादे करते हैं ना हम ये कराते हैं वो करते हैं हम यही हैं, वो भी उस वीडियो में आपको नज़र आएंगे। और पिछली बार ऐसा था बड़े बड़े यूट्यूबर थे, इंस्टाग्राम के बंदे थे, मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था, मैं मालवान रहता, तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि रिक्की भाई एक बार किधर कर, भाई यूट्यूबर है 2 मिलियन है, वीडियो मत बना भेजती हो। तो मैं उनसे भी बोलूँगा कि जितने फॉलोअर वाले जाते हैं भाई वीडियो तो बनेगी वहाँ पे, हमें पता है यार आपकी पूछ नहीं है वहाँ पे, कदर नहीं है, राइट, ठीक है, तो आप वहाँ पे लाइन में लगे तो कैमरा तो आएगा, मुंह क्यों छुपाना, अगर 2 मिलियन है 3 मिलियन है तो MTV काम के थोड़ी है वो। अगर आप वहाँ पे जाते हो लाइन में लगते हो तो बंदा वीडियो बनाएगा ना। लेकिन देखो जो मतलब ऑलरेडी सोशल मीडिया में मतलब फेमस है लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक, लोग ऑलरेडी उनको देख रहे हैं, तो जब वो सिलेक्शन हो, जब उनकी सिलेक्शन होती है ना, तो लोग ज्यादा वोट के हिसाब से वो लोग विन होते हैं, है ना, वोट के। तो तुम मान लो कि जिस फेस को पब्लिक जानती ही नहीं है, तो अगर वो सिलेक्ट भी हो जाता है तो वो बहन चोद उसको वोट ही नहीं मिलने क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है। अच्छा इसकी बात आपको क्लियर करता हूँ, सोशल मीडिया आ जाया, ठीक है, आयुष्मान खुराना था तब भी वोटिंग होती थी, ठीक है, रणवीर था तब भी वोटिंग थी, तो उस टाइम पे नहीं था क्या? उस टाइम पे भी था। तो ये कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपके फॉलोअर हैं, लेकिन आपको MTV सभी को बराबर लेके चल रहा है, ठीक है, उसी चैनल पे मान लो कोई मतलब सोशल मीडिया में किसी का कुछ है ही नहीं, हाँ कुछ है नहीं, तो MTV जैसे मेरे मिलियन फॉलोअर हैं आपके नहीं है, तो MTV दोनों को बराबर ही दिखा रहा ना अपने पेज पे, वहाँ पे MTV तो दोनों को ऑन ईयर कर रहा ना यहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? MTV का जो भी वीडियोज वहाँ से निकलेगी फेसबुक पे जाएंगे, इंस्टा पे जाएंगे, मान लो कि मेरे मिलियन है, ठीक है, मैंने मेरे पे डाल लिया तो मैं रोलिज में गया, बात खत्म, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन MTV ने तो अपना काम कर दिया ना, शूट करके ऑन ईयर कर दिया, ठीक है, लेकिन MTV के भी इतने पेज हैं जिसकी अलग नहीं, रोडिज का अलग है, MTV का अलग है, ठीक है, और MTV खुद एक ब्रांड है तगड़ा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों को बराबर प्रमोट करता है, किसी बंदे की ऑडियंस उसने इकट्ठी रखी वो उसके लिए अच्छी बात, अच्छी बात है, तो काम कोई भी हो खराब नहीं होता, उसने ऑडियंस अपनी इकट्ठी कर रखी है, तो लेकिन उसमें क्या कि उसके चाहने वाले ना उसी टाइम पे उसको सपोर्ट कर देंगे, जो बंदा नया बंदा है ना उसको बहुत बंदे सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे, उसको हर जगह से मिलेंगे, जैसे कि मेरे मिलियन है उसमें से मेरे क्या हो कि 20,000 बंदों ने सपोर्ट कर दिया, तुम्हारा ग्राफ नीचे है, लेकिन वोटिंग तो बहुत जगह से हुई ना, है ना, और जरूरी नहीं होती जो हमारा फॉलोअर होता है हमें सपोर्ट करता है। अब मेरे फॉलोअर हैं, ठीक है, तो आप पसंद आ गए उनको, एंटरटेन ज़्यादा आप कर रहे हो तो वो आपको वोट करेंगे, समझे बात को, मेरे को देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में, ठीक है, कि भाई ये करेगा वैसे वैसे, ठीक है, किसी को मैं अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा कोई बात, तो आपको तो ये चीज़ आप मत सोचो कि आपके फॉलोअर नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, ये एक्सक्यूजेस ना ये बिल्कुल एक साइड में लगा दो आप साइड में, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत से रियलिटी शो देखे हैं, ठीक है, जिनकी जेब में पैसा नहीं था वो बंदे स्टार बने मेरे साथ, तो मैं नहीं मानता कि हमारे पास कोई ऐसा बयान ना हो कि झूठ बोलने के लिए
और सबसे बड़ी बात, अब सिलेक्शन नहीं होता आपका, साफ बोल दो किसी को नहीं हुआ भाई, ये मत बोलो कि पैसे मांग लिए, उस बहुत जज मतलब कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, ऐसा नहीं है कुछ भी। एक चीज़ ये कि बंदों का कहना है कि वीडियो पर सिलेक्शन कर लेते हैं पहले, ये बात सही है, वीडियो पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन भीड़ है ना उसमें सिलेक्शन करते हैं बंदे। अब कुछ बोल रहा हूँ बंदा, ये बोलने का बोल बंदों का ये कि ये भीड़ दिखाते हैं, सिलेक्शन पहले जाती है, ये चीज़ पहले नहीं थी, अब ये चल रही है सिलेक्शन। भाई पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, पहले व्हाट्सएप नहीं था, है ना, आज वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप है ना, फेसबुक है, ये मतलब कि आजकल बहुत चीज़ें ऐसी चली हुई है, पहले नहीं थी चीज़ें। तो अगर वो सिलेक्शन कर लेते ना तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ तक क्यों नहीं हो, अगर वीडियो सिलेक्शन होना चाहिए तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं पहुँचे वहाँ पे, या फिर वो क्वालिटी लेके आओ कि बंदा आपको खुद बुलाए, और खुद बुलाए तो आप में आपके लिंक होने चाहिए, आपकी जान पहचान होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप वहाँ पे भी काम नहीं कर रहे और यहाँ पे शो को ब्लेम कर रहे हो कि उन बंदों ने ना डायरेक्ट वैसे बुलाए, कुछ तो भी लोग कुछ तो किया होगा बंदों ने, तभी तो बुला रहे हैं वहाँ पे। अब मैं हूँ, मैं लगभग लाइन में नहीं लगता रियलिटी शो में, ठीक है, मेरा डायरेक्टर होता है कि आ जाए यहाँ पे, मेरे को लेटर आ जाते हैं सीधे कि स्टूडियो राउंड के लिए वो करना रिहर्सल होनी, वो मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे वीडियो चल जाता है, मेरा प्रोफाइल उनके पास है कि यार ये बंदा ये कर सकता है। अब आप नए हो, ठीक है, अब मेरे को देखो कि यार उसको तो फ़ोन पे बुला लिया और मैं यहाँ पे लाइन में लग रही हूँ, तो ये गलत बात है। वो आपने शुरुआत कहाँ से की, कब की, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये भी हो सकता है मैं 12-13 साल से ट्राई कर रहा हूँ, तुम शो को जीत जाओ, मैं ना जीत पाऊँ, तुम मेरे से बहुत आगे चल जाओ, ये भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका सिलेक्शन मतलब कि मेरा सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ, तो आपको रोडीज नहीं, क्या पता आपका बिग बॉस इंतज़ार कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो डीमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए। और इस फील्ड के लिए ना मैं नहीं मानता कि पैसा ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी इसलिए है कि जैसे अपन यूट्यूब बनाया, ठीक है, उसके बाद हमें कैमरा लेना है, माइक लेना है, ठीक है, और शूट करने के लिए जगह, उन चीज़ों में ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप खुद फाइनेंस कर रहे हो और वो खुद का चैनल आपका है, आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो वहाँ पे, तो वो चीज़ आपकी है, किसी और की नहीं। ये सभी के लिए ये एक ऐसा शो, मतलब कि बहुत सारे शो ऐसे होते हैं कि दुनिया को चांस देते हैं, मौका देते हैं कि तुम आओ यहाँ पे और काम करो, ताकि शो के फॉर्मेट जो होते हैं, शो बनाया गया एंटरटेन के लिए। सोशल मीडिया में तो नॉर्मल अभी आजकल वीडियो चलती रहती है, जैसे आपने फियर फैक्टर देखा, ठीक है, फियर फैक्टर पे सोशल मीडिया कौन बंदा बना रहा है आजकल, नहीं बना रहा ना, क्या फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी देख रही थे, हाँ, वो खतरों के खिलाड़ी, हाँ। उसको फियर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, तो तुम देख रहे थे वहाँ पे, तो उन्हें खतरों का खिलाड़ी बनाना था और वो चैनल पे डालना था। आजकल सोशल मीडिया चला हुआ वो नॉर्मल बंदों के लिए, चलो भाई उनका रोजगार चलता रहे, लेकिन एक टीवी एक बहुत बड़ी चीज है, वहाँ पे बहुत बड़े कैमरा होते हैं, बहुत बहुत चीज़, हाँ हाँ, आई नो। तो ये अपना था रियलिटी शो को लेकर टॉपिक और रोडीज को लेके, तो आई होप कि तेरे को समझ में आया होगा और सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा दिल किया कि मैं ये कंटेंट डालूँ इसके ऊपर, तो सभी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, कोई एक तो रह भी गया शायद मेरे दिमाग में नहीं है, तो इतना ही मेरे को पता, जितना पता था मैंने बता दिया। और चलो बाय करते हैं, बाय। मैं कैमरा कट करता हूँ, देखो मेरे पास अकेले, हाँ ये मैंने अभी सेट कर रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, मतलब कि टाइम थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों में, अभी करता हूँ मैं।